मंडी बहाउद्दीन से खबर शामिल करते हैं। डेप्यूटी कमिश्नर की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सुहेर रियाज छीना ने शहर का दौरा करके नाजायज जावजात नाजायज कायम करने, पेट्रोलियम और LPG की गैर कानूनी बढ़ाई करने और पेट्रोल पंप पर खाने में गड़बड़ करने पर मजमू तौर पर 18,000 रुपए जुर्माना किया। मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर सुहेर रियाज छीना ने नाजायज जावजात कायम करने वाले दुकानदारों को वार्निंग जारी करते हुए कहा कि वो इंतजामिया की जानिब से कायम की गई लाइन के अंदर अपना सामान रखें, वरना जुर्माने के साथ साथ सामान को भी जब्त कर लिया जाएगा। इन्होंने कहा कि नाजायज मुनाफाखोरी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। इन्होंने कहा कि गैर कानूनी पेट्रोलियम LPG बढ़ाई और पंप्स पर पैमानों में गड़बड़ करने वाले मालकान को खबरदार किया कि वो ऐसे गैर कानूनी फाल से बाज रहें। आइंदा चेकिंग के दौरान मुलविस मलकान के खिलाफ जुर्मानों के साथ साथ और कोई रोर आयत ना बढ़ती जाएगी। बाद असिस्टेंट कमिश्नर ने चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा करके बच्चों को दी जाने वाली तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। इन्होंने मैरिज हॉल्स का दौरा करके वन डिश की पाबंदी को भी चेक किया। मैरिज हॉल्स की जानिब से वन डिश की कोई खिलाफ वर्जी ना करनी पाए। रिपोर्ट कर रहे थे शेख महमूद नासिर, ग्रेट न्यूज़ मंडी बहाउद्दीन।